देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज हरिद्वार में विसर्जित कर दी गईं। गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। इससे पहले निकली अस्थि कलश यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं समेत हजारों लोग शामिल हुए। नामित्रास्तमसा सचन्ताम अवसृष्टा पराप सर्वे ब्रह्म सगुंशिदे गच्छा मित्रान् प्रबद्ध स्वामी सांकक्ष नोक्षिशः प्रेता जयता नरिंद्रो वा सर्वं यक्षत विश्वाहा सर्वं यक्षत परमाणि ते ब्रह्मणा छादयामि सोवत्वा राजा मृतेरान वस्ता। और अटल जी की अस्थियां हरिद्वार की हर की पैड़ी में मोक्षदायिनी गंगा में विलीन हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। हाथ जोड़े आंखें मूंदे खड़ी बेटी पिता के दुलार प्यार की स्मृतियों को याद करती रही और गंगा की लहरें पिता के अंतिम अवशेष को धीरे धीरे दूर ले जाती रही। नम आंखों के बीच बेटी नमिता और दामाद रंजन भट्टाचार्य ने अस्थियों को विसर्जित किया। अटल जी की अस्थियों को पवित्र गंगा में अर्पित किया। ठीक पीछे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेता हाथ जोड़े अटल जी को गंगा में विलीन होते देखते रहे। बेहद भावुक पल था ये। साधुओं के मंत्रोच्चार के बीच हजारों आंखें नम थी। ये अटल जी को आखिरी विदाई थी। अब अटल अनंत में विलीन हो गए, अब सिर्फ उनकी स्मृतियां शेष हैं। अटल जी ने जो शरीर छोड़ा है वो दक्षिणायन पर्व में छोड़ा है, और वो भी जो है दक्षिणायन पर्व के साथ छोड़ने के साथ में उनकी जो आवागमन है वो दोबारा वापस होगा। और अस्थि प्रवाह जो यदि हरिद्वार में किया जाए तो उसको हम कहा जाते हैं कि उस व्यक्ति का जो है गंगा जी के अंदर जब अस्थियां पड़ी जाती हैं तो लाखों वर्षों को व्यक्ति जो है स्वर्ग में उपभोग करता है, साथ में जो है उसका पुनर्गमन यहाँ पर व्यक्ति वापस में होता है। इससे पहले सफेद बेली और गेंदे के फूलों से सजा ट्रक अटल जी के आखिरी सफर पर निकला। चांदी के कलश में अटल जी की अस्थियां रखी गई थी। ट्रक पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सवार थे। और नीचे बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता अटल अमर रहो का नारा बुलंद कर रहे थे। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से निकला काफिला देवपुरा चौक, शिवमूर्ति चौक, अपर रोड मुख्य बाजार से गुजरते हुए हर की पैड़ी तक पहुंचा। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, अटल को चाहने वाले आम लोगों की भीड़ कलश को नमन करती रही। श्रद्धांजलि के फूल उड़ते रहे। अटल जी की ये आखिरी यात्रा थी। कलश गंगा में प्रवाहित होते ही अब सिर्फ उनकी स्मृति जीवन में शेष रहेगी। दिल्ली स्थित स्मृति स्थल में अस्थियों को तीन अलग अलग कलश में रखा गया है। वाजपेयी की अस्थियां देश भर में करीब 100 नदियों में विसर्जित की जाएंगी। इसकी शुरुआत आज गंगा से हुई है। इससे पहले दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिजनों ने स्मृति स्थल से अस्थियों को इकट्ठा किया। परिवार और रिश्तेदार समेत बीजेपी की कई नेता भी स्मृति स्थल पर मौजूद रहे। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। स्मृति स्थल पर पिता की स्मृतियों को हथेलियों में भरती बेटी नमिता की आंखें नम थी।
फूल बन चुके इन अंतिम अवशेषों में बिखरी पड़ी थी बचपन की यादें, दुलार और स्नेह की हजारों यादें। परिवार के साथ पार्टी के नेता अटल की यादों और उमड़ती भावनाओं के बीच खुद को बांधे मौन खड़े थे। पूरा माहौल बेहद भावुक था। सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे के साथ साथ राजनाथ सिंह भी स्मृति स्थल पर पहुंचे और परिवार के साथ अटल की अस्थियों को साथ लेकर एयरपोर्ट रवाना हुए। दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से अटल जी की अस्थियां पहले देहरादून ले जाई गई और फिर देहरादून से दो हेलीकॉप्टर के जरिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह समेत परिवार के सदस्य हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज ग्राउंड में पहले से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। अटल के दामाद रंजन भट्टाचार्य के हाथों में अस्थियां थी। वहां पहले से ही सारी तैयारियां पूरी थी। सेना का ट्रक फूलों से सजा था। अटल जी की अस्थियों को ट्रक पर रखा गया। अमित शाह, योगी और राजस्थान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के दूसरे नेता के साथ साथ रंजन भट्टाचार्य अटल जी की आखिरी यात्रा पर निकल पड़े। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ रोहित सरदाना, हरिद्वार